खुद को माफ करना, और यदि खुद की आलोचना करते हो या अपराधीपन की भावना अपने बारे में रखते हो तो जरूर माफ करना, उसे क्या फायदा होता है उसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त आदमी महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, उनको हम काउंसिलिंग करते, साइकोथेरेपी करते और कोचिंग करते रहते हैं कि भाई कैसा रहना, क्या व्यवहार करना। जब वो प्रेजेंटेशन हमारे पास में करते हैं, वो होगा डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, पैनिक अटैक का, जो भी कुछ होगा प्रेजेंटेशन, जो लक्षण लेके हमारे पास में आते हैं, तो जब उनके साथ में जब बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि इनका अतीत जो है उसमें कुछ तो भी गड़बड़ हुई। अतीत में गड़बड़ मतलब क्या है? अतीत में उन्होंने खुद ने जो कुछ काम ऐसा किया है कि जिनको जिसकी वजह से उनको अपराधीपन की भावना आती है, अपराध बोध, और नंबर दो सेल्फ क्रिटिसिज्म, खुद की आलोचना करना या लोगों की आलोचना करना। तो ये जो बातें हैं इससे काफ़ी सारी उनकी बीमारियां होती है। एक तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, ये भी हो सकता है, उसके साथ साथ बदन की बीमारी भी होती है। मैं एकदम ये बोलता हूँ कि भाई लोग आपके आजू बाजू में जो है वो जैसे है वैसे है, जो आपको चाहिए था वैसा वो व्यक्ति नहीं है। आपका पति हो, पत्नी हो, आपका बच्चा हो, जो भी है, जो आप जैसे जो रूप में उनको देखना चाहते थे या जो रूप में वो चाहते थे आपके, नहीं मुझे है ना ऐसा पति चाहिए था, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए थी, मुझे ऐसा बच्चा चाहिए था, वो नहीं है। तो जैसे है वैसे उनका स्वीकार करना और उनको माफ़ कर देना बहुत ज़रूरी होता है, ना कि उनकी आलोचना करना, ना कि उनको अपराधी बताना। ये करने में मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे दिमाग में टेंशन आते रहता है, काफ़ी असंतोष होते रहता है, तो उनको माफ़ करना जरूरी है। वैसे ही खुद को माफ़ करना, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोग देखे कि वो खुद को माफ़ कर देते। उन्होंने कुछ पहले क्या होता है कि एक तो मेनली तीन चार बातें ऐसी होती कि जिसके लिए आदमी खुद को खुद की आलोचना करता है या अपराधीपन की उसकी भावना उसको होती है, उसने पाप किया ऐसा लगता है। एक है सेक्स के बारे में, कि उसने सेक्स के बारे में कुछ इल्लीगल, इमोरल ऐसा काम किया हो जिसके लिए उसको ठीक लगता नहीं अपने बारे में, वो अतीत में किया हो। नंबर दो, पैसे में कुछ हेराफेरी की हो, फ्रॉड किया है पैसे का और वो किसी को मालूम नहीं, इसको खुद को मालूम है, या फिर फ्रॉड करके गुनाह दाखिल हुआ है, या फिर माता पिता के साथ में उसके संबंध अच्छे नहीं है। तो माता पिता दो, सेक्स और पैसा, ये चार चीज़ें हमने देखे। तो और हमने ऐसा कुछ पाप किया है क्या कि भाई जिसके वजह से अपने को लगता है कि मैं अपराधी हूँ और मैंने वैसा नहीं करना चाहिए था, तो वो जो है उसके लिए खुद को माफ़ करना। हमने काफ़ी सारे लोग देखे कि खुद को माफ़ करना, और खुद को माफ़ करने से काफ़ी सारे बदन के प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, वो हेडेक हो, बैकएक हो, फिर ये शोल्डर पेन है जिसको ट्रेपेजाइटिस बोलते हैं, कि जो ट्रेपेजाइटिस जो है मतलब यहाँ ऐसा पूरा दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, हेडेक होता है, और फिर बदन में दर्द है, या फिर पेट की बीमारी है, पेट की शिकायतें हैं, या फिर दमे की बीमारी है, सांस, बॉडी एक्सपेन डिसऑर्डर है, तो ऐसे काफ़ी सारे जो बीमारियाँ, इचिंग की बीमारियाँ होती रहती है, माइग्रेन है, हाफ हेडेक होते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे जो बीमारियाँ वो उसके साथ साइकोलॉजिकल बीमारियाँ, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, तो वो खुद को माफ़ करने से ठीक हो जाती है। लोग बोलते हैं माफ़ कैसे करना, माफ़ करना मतलब क्या करना, माफ़ करना मतलब छोड़ देना, छोड़ दो यार, माफ़ कर डालो। तो माफ़ करना कैसे मालूम नहीं है तो हमको बताओ माफ़ कैसे करना। हम बोलते कि माफ़ करने की तैयारी होना यह सबसे पहली स्टेप है, कि मैं माफ़ करने को, खुद को माफ़ करने को तैयार हूँ, लोगों को माफ़ करूँगा, खुद को माफ़ करूँगा। तो खुद को माफ़ करने की या लोगों को माफ़ करने की तैयारी होना यह सबसे पहली स्टेज है। और वो यदि आप स्टेप पहले ले लिया कि यस मेरे को माफ़ करना है, फिर कैसे माफ़ करना वहाँ पर आप आ जाएगा। तो वो खुद को माफ़ करो, फॉरगिव सेल्फ एंड अदर्स, ये करते हैं तो काफ़ी सारी बीमारियाँ आपकी ठीक हो जाएगी, स्पेशली डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पेन डिसऑर्डर, बॉडी एक्स एंड पेन्स, हेडेक्स, ये सब ठीक हो जाएंगे। मतलब अपचन वगैरह जो है ना, पचन संस्था का, सब ठीक हो जाएंगे और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।